तो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल अब्दुल वलोक खाजवाला। आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम मक्खन निकालने वाले हैं। रात के टाइम में हमने दही जमा दिया था और सुबह जल्दी उठकर हमने बिलोना कर लिया था मंदानी की सहायता से। जो आप ये देख रहे हैं, इसी पतड़ी के अंदर जो मक्खन है, ये कल का है। कल हमने सुबह जल्दी ही निकाल लिया था और आज निकाल रहे हैं। सुबह जल्दी ही बिलोना कर लिया था, अभी मक्खन निकाल रहे हैं आज वाला। यानी सुबह के टाइम हमने मंदानी की सहायता से इसमें मक्खन बिलो लिया था। इसमें दो डूंगे बर्फ़ के डाले थे। काफ़ी गर्मी की वजह से मक्खन नहीं बन पाता है, तो हम इसमें बर्फ़ डाल देते हैं ताकि मक्खन जल्दी बन जाए। काफ़ी मक्खन बन गया है, पूरी तरह बन चुका है। अभी इसमें ठंडा पानी डाल रहे हैं ताकि मक्खन पूरा इकट्ठा हो जाए, जो साइड साइड में लगा हुआ है। अब हाथ की सहायता से इकट्ठा करके बर्तन में निकाला जा रहा है मक्खन। ठंडा ठंडा पानी इसलिए डालते हैं ताकि मक्खन बिखरे ना, काफ़ी आसानी से मक्खन निकल जाए। गाय के दूध की दही जमाई थी इसलिए ये मक्खन पीला पीला है। अगर भैंस के दूध के मक्खन निकालें तो सफ़ेद होगा। अभी मक्खन निकाल लिया है, इसे इकट्ठा किया जाएगा हिला के ताकि पूरा मक्खन इकट्ठा हो जाए। अभी जो कल वाला मक्खन था उसमें इकट्ठा कर दिया गया है। इस मक्खन को आज गर्म करके घी निकाला जाएगा। पूरा मक्खन से पतड़ी भर चुकी है, आज इसे गर्म करेंगे और घी बनाएंगे। जो छाछ बची हुई है उसे दूसरे बर्तन में पीने के लिए निकाली जा रही है। जो बची हुई छाछ है यह पशुओं के लिए निकाली जा रही है, इसे पशुओं को पिलाया जाएगा। बाल्टी पूरी तरह भरने वाली है। ये पशुओं को पिलाया जाएगा। टेकचे को साफ किया जा रहा है, इसमें पानी डाल के इसी बाल्टी के अंदर पानी डाल दिया जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।